हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जियो फ़ोन में जो नया एप्लीकेशन आया है जियो रेल, उसके बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, ये एप्लीकेशन कैसे काम कर सकता है और दोस्तों इसमें कौन कौन से आपको जो फीचर्स मिले हैं, वही सारी बात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, साथ में पास वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जियो फोन में जियो रेल एप्लीकेशन को ओपन कर दोगे। जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पर आपको सबसे पहला बुकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बुकिंग करने के लिए आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट डिपार्ट स्टेशन, मतलब आपको कहाँ से जाना है वो आपको सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सूरत सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको कौन सी जगह पर जाना है तो यहाँ पे आपको जहाँ जाना चाहते हैं वो डेस्टिनेशन आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे आप सर्च करके भी कर सकते हैं या तो फिर आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है उस पर भी आप कर सकते हैं। आप जहाँ स्टेशन जाना चाहते हैं वो आप सर्च कर लीजिए। मैं यहाँ पे दोस्तों अहमदाबाद कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे तारीख डालनी होगी, जो तारीख पर आप जाना चाहते हैं वो तारीख आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई भी एक तारीख डाल देता हूँ और फिर कर देता हूँ ओके। उसके बाद दोस्तों, आपको सिर्फ चेक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप चेक पर क्लिक करोगे उस दिन में जो भी ट्रेन जाने वाली होगी वो सारी ट्रेन आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जो जो कितने बजे जा रही है, कहाँ कितने बजे वहाँ पे पहुँचाएगी, सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे जो पहली ट्रेन में उसमें आपको अगर कोई टिकट बुक करवाना है तो आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर ऐसा दिख जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं इसके जो टिकट अवेलेबल है उसकी जो प्राइस है वो प्राइस सारी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको अपना कोटा अगर चूज़ करना है तो आप कोटा पे सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे दोस्तों जनरल है, तत्काल है, सीनियर सिटीजन है, आप जो भी चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बैग और सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको देखते हो टिकट की प्राइस भी दिखा रहे हैं। प्राइस देखने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, कर देना है बुक। टिकट बुक करने के लिए आप बुक कर दीजिए। बुक करने के बाद दोस्तों, आपको कौन सा वाला जो टिकट जो प्राइस दिखा रहा है कौन से वाले प्राइस में आपको करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर कर दीजिए नेक्स्ट। तो दोस्तों, जैसे नेक्स्ट करोगे आपको यहाँ पे अपना जो IRCTC यूज़र आईडी है दोस्तों वो आईडी आपको डालना होगा। डालने के बाद दोस्तों आपका जो है टिकट जो है बुक हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद दूसरी आपको इसमें कौन सी चीज़ मिल रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, इस एप्लीकेशन में दोस्तों आपको दूसरा देखने को मिलता था PNR स्टेटस। दोस्तों, आप यहाँ पे अपना PNR स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, PNR स्टेटस में आ जाना है। और उसके बाद दोस्तों, आपका 10 नंबर का जो PNR नंबर है दोस्तों, वो PNR नंबर दोस्तों यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे आप दोस्तों आप PNR नंबर डाल दोगे, आपको चेक PNR स्टेटस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको उसका जो पूरा जो स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों, इस एप्लीकेशन में दूसरा कुछ है नहीं, बस इसका जो इन्फो दिखाया हुआ है, जो भी इनके जो एप्लीकेशन के बारे में जो चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। तो दोस्तों, ये जो नया एप्लीकेशन है जो भी ट्रेन में ज़्यादातर सफ़र करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, कई ज़्यादा हेल्पफुल ये एप्लीकेशन हो सकता है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।